नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है जुलाई की 10 तारीख और शाम के 7 बज रहे हैं और आसमान में काली घटा छाई हुई है। कभी भी बरसात हो सकती है, ऐसा मौसम हो रहा है। और हमारे यहाँ पिछले 3 दिनों से बिल्कुल भी बरसात नहीं है आई है, और इसलिए हमारे जो है गमलों की मिट्टी भी सूख रही है। तो इसलिए हम आज जो है अपने पौधों में पानी भी डालेंगे, और ये 3 दिन से बारिश नहीं आई है तो इसलिए ये पौधे की पत्तियां भी थोड़ी सी जो है मुरझा रही हैं। वैसे हमने पिछले 10 दिन तक पानी नहीं डाला है, क्योंकि एक दिन छोड़ के या फिर डेली ही हमारे यहाँ बरसात नहीं आई है। और जब से बरसातें शुरू हुई हैं, पहली बार ही ऐसा हुआ है कि 3 दिन तक बरसात नहीं आई है और पौधों को पानी की ज़रूरत पड़ी है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे सभी फ्री के पौधे जो कि हमने रिपोर्ट कर दिए हैं, और इन्हें रिपोर्ट करने में हमें 2 दिन लगे हैं। और दोस्तों, ये सभी जो है पॉट हमारे लास्ट ईयर इनमें जो है गुलाब के ही पौधे लगे हुए थे, और वो थे हमारे हाइब्रिड गुलाब, इंग्लिश गुलाब। और अब की बार हमने इनमें ये सभी के सभी देसी गुलाब लगा दिए हैं, क्योंकि पिछली बार इंग्लिश गुलाब थे और वो इस बार तेज गर्मी के कारण सभी के सभी पौधे हमारे इंग्लिश गुलाब के ख़राब हो गए। क्योंकि इंग्लिश गुलाब जो है ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, देसी गुलाब तो फिर भी गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। और जो हमारे पास देसी गुलाब थे वो बच गए और उनकी पत्तियां झड़ गई थी, लेकिन अब उनमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये हैं हमारे बिल्कुल सभी के सभी जो है फ्री के पौधे, और ये भी हमारा फ्री का पौधा है। और हमारे पास जो है फ्री के ये 16 गुलाब के पौधे हैं, लेकिन ये सभी देसी गुलाब हैं। इस बार हमने देसी गुलाब ही लगाए हैं, और 2-4 गुलाब ही हो सकता है हम इंग्लिश गुलाब खरीद के लाएं नर्सरी से, क्योंकि नर्सरी पे जब विंटर सीजन में जाते हैं और वहाँ गुलाब के फ्लावर हमें सुंदर सुंदर खिले हुए दिखते हैं तो रहा नहीं जाता, और हमें जो है 2-4 प्लांट तो गुलाब के खरीद के ही लाते हैं। और जबकि हमें पता होता है कि गर्मियों में ये गुलाब के प्लांट नहीं चलेंगे, फिर भी हम खरीद लाते हैं। और दोस्तों, ये भी हमारा जो है फ्री का ही पौधा है, इसको भी हमने रिपोर्ट कर दिया है। ये है चांदनी, और इनको हमने 12-12 इंच के जो है ये ब्लैक कलर के पॉट में रिपोर्ट किया है। और जो ब्राउन वाले पॉट होते हैं वो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, 6-7 महीने में ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये ब्लैक वाले पॉट अच्छे चलते हैं। इसलिए हमने अब की बार इनको ब्लैक वाले पॉट में पौधों को अधिकतर लगाया है, क्योंकि हमने मिट्टी वाले और सीमेंट वाले भी लगाए थे। तो सीमेंट वालों की हालत आपको दिखाएं कैसी हो रही है। ये कुछ ही समय के बाद में ऊपर से इनका मसाला झड़ने लग जाता है, और ऐसे ही जो है मिट्टी के होते हैं उनमें भी कुछ टाइम बाद नीचे से तली में से या फिर किनारे पे से उनकी सॉइल झड़ने लग जाती है। और ये प्लास्टिक के पॉट हैं, बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, इनमें से बिल्कुल भी जो है सॉइल वगैरह नहीं झड़ती है। तो इसलिए अब की बार हमने ज़्यादातर पौधों को ये ब्लैक कलर के पॉट में रिपोर्ट किया है। और दोस्तों, ये हार श्रृंगार का प्लांट है, हार श्रृंगार का प्लांट भी हमारे पास लास्ट ईयर था, लेकिन वो भी गर्मी के कारण ख़राब हो गया। और ये है हमारे हिबिस्कस, तो ये देसी ही हिबिस्कस है, इनमें अभी फ्लावर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकारी नर्सरी के फ्री के प्लांट हैं तो ये देसी ही हैं, क्योंकि सरकारी नर्सरी पर देसी ही मिलते हैं, हाइब्रिड नहीं मिलते हैं। तो ये 3 प्लांट हैं, और बाकी वैसे तो ये देसी हिबिस्कस तो अगर आप कटिंग से लगाओगे तो इस वक्त आसानी से लग जाएंगे। ये हमारा लास्ट ईयर का हिबिस्कस का प्लांट है जो कटिंग से लगाया था, और आप अब है ना काफ़ी बड़े साइज का हो रहा है, और इसमें भी पानी की कमी हो रही है। तो अब हम इसके बाद में इन पौधों में पानी डाल देंगे,
और ये प्लांट बिल्कुल सही से खड़े हो जाएंगे। तो एक तो मन कर रहा है कि पानी डाल दें, और एक ये हो रहा है कि बारिश का मौसम हो रहा है, काली घटा छाई हुई है, कहीं पानी डालें और रात में बारिश हो जाए, तो इसलिए। लेकिन फिर भी है ना, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन से बरसात नहीं आई है, इसलिए प्लांट सूख रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बारिश आ जाएगी लेकिन नहीं आती है, और फिर अगले शाम को ही हम छत पे आते हैं कि क्योंकि दिन में ना तो टाइम मिलता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप होती है, इसलिए छत पे आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। और दोस्तों, ये हमने नीचे सभी के सभी जो है अपने गुलाब के प्लांट लगा दिए हैं, ये वाइट पॉट में, प्लास्टिक पॉट में लगे हुए हैं, और कुछ हमने ये मिट्टी वाले पॉट में लगा दिए हैं, और ये हमारे पिछले 2-3 साल पुराने गमले हैं। और दोस्तों, ये है टिकोमा, तो टिकोमा को भी हमने बिल्कुल इस वाले पॉट में शिफ्ट कर दिया है और अच्छा चल रहा है, आपको बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पत्तियां दिखाई दे रही हैं। और ये है हमारा कचनार, तो कचनार भी हमारा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, और ये तो हमारा है लास्ट ईयर का है चीकू का प्लांट, तो इसमें ये कलियां बन रही हैं, लेकिन कलियां तो ना बनती हैं लेकिन ये फ्रूट में नहीं बदल पाती। इस बार गर्मियों में भी कलियां इसमें काफ़ी सारी बनी थी लेकिन फ्रूट में नहीं बदल पाई थी, शायद गर्मी के कारण, लेकिन अब ये कलियां बन रही है, हो सकता है इनका फ्रूट बन जाए। और ये ग्राफ्टेड प्लांट है, तो ग्राफ्टेड प्लांट में तो छोटे से ही प्लांट में जो है फ्रूट आना शुरू हो जाता है। और ये भी हमारा एक गुलाब का प्लांट है, और ये भी एक है ना टिकोमा है, तो टिकोमा में ये टूट गया था लेकिन दोबारा से इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये पौधे हम जो कल लेके आए थे, हमने ये भी कल आपके साथ जो है शेयर किए थे, और ये हमारा अलमांडा है, अलमांडा को हमने रिपोर्ट कल ही कर दिया था। और ये है हमारा प्राइड ऑफ इंडिया, और दोस्तों प्राइड ऑफ इंडिया को हमने शाम को ही रिपोर्ट किया था, लेकिन आज दिन में या सुबह ऊपर छत पे बंदर आ गए और बिल्कुल इसको यहाँ से हिला दिया, और अब हमने इसको जो है सेट किया है दोबारा से। और ये है एक्लिफा का प्लांट, तो इसकी तो हालत आपको दिखा दें, ये अभी है ना अलग पड़ा हुआ था, बिल्कुल गमले की मिट्टी अलग थी और एक्लिफा का प्लांट अलग पड़ा हुआ था, तो प्लांट की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, पता नहीं अब बंदर सुबह आए थे लेकिन या दोपहर में आए थे, तभी से ये प्लांट अलग पड़ा हुआ था सॉइल से, लेकिन अब देखेंगे भाई ये चलेगा या नहीं चलेगा, हालत तो इसकी खराब ही हो गई है। और कई पौधे और भी जो है पॉट नीचे गिरा रखे हैं, कई पौधे भी तोड़ रखे हैं बंदरों ने। तो दोस्तों, ये हैं हमारे सभी फ्री के पौधे जिनको हमने रिपोर्ट कर दिया है, और हम ये पौधे जैसे कि आपको पहले भी बताया है सरकारी नर्सरी से लेके आए थे बिल्कुल फ्री में, और जो हमारे ये पॉट खाली पड़े हुए थे ये भी हमारे सारे पॉट फुल हो गए हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन प्लांट है। और आपके पास भी अगर सरकारी नर्सरी है आपके शहर में, वैसे तो हर शहर में ही होती है सरकारी नर्सरी, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पर है, सर्च करने से पता चल जाती है, हमें भी पता नहीं था। इस बार क्या, लास्ट ईयर भी हम सरकारी नर्सरी पे गए थे, लेकिन जिस टाइम हम गए थे सरकारी नर्सरी पर उस टाइम सभी प्लांट ख़त्म हो चुके थे, और इस बार तो जब हम गए तो 3-4 दिनों पहले ही प्लांट आए थे नर्सरी के ऊपर, इसलिए हमें इतने सारे प्लांट ये मिल गए, और हमने इनको अच्छे से रिपोर्ट भी कर दिया, और ये चलने भी शुरू हो गए हैं, कलियां बन रही हैं, नई नई ग्रोथ आ रही है। तो दोस्तों, आपको हमारे प्लांट कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्ते जी, धन्यवाद।